हेलो स्टूडेंट, आज का जो मेरा सेशन है एक इम्पॉर्टेंट सेशन है। अब तक आप हमेशा एनडीए वाले सेशन देखते थे और हमेशा लिखते थे सर सीडीएस के लिए सेशन क्यों नहीं लेते हैं एफकैट के लिए। ये स्पेशली सेशन है और इनफैक्ट इस बार सबसे अच्छी बात है कि इम्पीटस गुरुकुल में सीडीएस के लिए भी बैच स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले मैं एक बात आपको बहुत क्लियर बोलना चाहूँगा कि अगर आपका सपना सच में डिफेंस में जाने का है और किसी वजह से ट्वेल्थ के समय आप नहीं जा पाए एनडीए के थ्रू या टीएस के थ्रू या नेविटेक के थ्रू या एक्सवाई के थ्रू, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ट्वेल्थ के बाद अपॉर्चुनिटी कम होती है बट ग्रेजुएशन के बाद सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। इनफैक्ट फीमेल के लिए भी जो अपॉर्चुनिटी होती है वो सीडीएस के थ्रू होती है या एफकैट के थ्रू होती है। ये बात हमें पहले समझनी है। सबसे पहले तो हम ये समझें कि इंडियन आर्मी में जाने के लिए या इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए या नेवी में जाने के लिए बहुत सारे डायरेक्ट ऑप्शंस भी होते हैं। यानी अगर आप बी कर रहे हैं, अगर आप एनसीसी में सी सर्टिफिकेट हैं या आप यूनिवर्सिटी लेवल पे भी अगर परसेंटेज अच्छे हैं, यानी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती क्योंकि अब हम लोग सीडीएस का बैच चालू कर रहे हैं। तो और अभी तक सीडीएस के लिए बच्चे केवल ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हुए थे, पर अब इस बार से ऑनलाइन कोर्स के साथ साथ क्लासरूम कोर्स से भी जुड़ेंगे और जिस तरह से क्लासरूम कोर्स में चलेगा उसी तरह से ऑनलाइन कोर्स में भी हम लोग आपको अब टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपको पता होगा कि एफकैट के लिए नोटिफिकेशन आ गया है। दूसरा, सीडीएस के एग्जाम डेट क्या है, टेरिटोरियल आर्मी के लिए क्या है, वो सब मैं बताना चाहूँगा। पर मैं एक चीज़ बोलूँगा, कभी भी मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसके बाद भी मैं बोलूँगा कि हर इन्फॉर्मेशन को आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जरूर चेक करना चाहिए और केवल ऑफिशियल वेबसाइट पे ही चेक करना चाहिए। इवन हो सके तो प्रिंट निकाल लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कम से कम 20-30 से ज़्यादा एसएसबी होते हैं जो हमें पता ही नहीं होता। यानी सीडीएस एनडीए तो एक एग्जाम हो गया, इसके अलावा भी एसएसबी में आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं, पर कई बार पता ही नहीं होता इसलिए प्रॉब्लम होती है। और सबसे ज्यादा ऑप्शन होते हैं ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए। तो अगर इनकेस आप 11th 12th में एनडीए के साथ में नहीं जा पाए हैं या आपने ग्रेजुएशन में आके ही सोचा है कि मुझे डिफेंस में जाना है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा है, बस आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। दूसरा, जैसे एनडीए के समय मतलब 11th 12th के समय पूरा सिलेबस लगभग सेम होता है, वैसे ही जो सिलेबस सीडीएस का होता है वही ऑलमोस्ट सिलेबस एफकैट का होता है, वही ऑलमोस्ट सिलेबस नेवी का होता है, वही ऑलमोस्ट सिलेबस सभी जगह पे सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। थोड़ा पैटर्न में डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम ज्यादा हो सकते हैं, इसके अलावा कोई चेंज नहीं होता। तो सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर एफकैट के बारे में बोले तो इसके लिए आपको careerindianairforce.cdac.in पे जाएं या फिर AFCAT-CDS.CDAC.in पर जाएंगे तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फॉर्म फिलिंग जो होंगे 1 जून से स्टार्ट होंगे और 30 जून तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। सीडीएस की अगर हम बात करें तो जून में ही एग्जाम फॉर्म फिल होंगे, 12 जून से स्टार्ट होंगे और 8 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्जाम डेट है 8 सितंबर। और टेरिटोरियल आर्मी की बात करें जिसकी एग्जाम डेट है 28 जुलाई, इसके लिए ज्वाइंट टेरिटोरियल आर्मी .nic.in पे जाना होगा। इसके फॉर्म ओपन हो रहे हैं 26 मई से 25 जून तक। सबसे अच्छी बात है, हर जगह एज की प्रॉब्लम आती पर यहां नहीं है, 18-42 ईयर वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। बट उस ये अप्लाई फ्रेशर्स के लिए होती है, यानी अगर आप इंडियन आर्मी डिफेंस या किसी भी अगर जगह पर जॉब कर रहे हैं तो आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा नेवी इसके भी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अब आपको सीडीएस से रिलेटेड या ग्रेजुएशन में हो आप अगर तो डिफेंस में किस किस तरह से जा सकते हो, इसके सेशंस आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। दूसरी बात, हम लोग जो नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं वो 10th जून से भोपाल में स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कंप्लीट सिलेबस सीडीएस के हिसाब से कवर करेंगे और बाकी सभी के, मैंने अभी आपको बोला कि अगर सीडीएस का आपने सिलेबस अच्छे से कवर किया तो इनडायरेक्टली आपने सारे सिलेबस को कवर किया हुआ है, जिसमें हम लोग मैथ्स में क्योंकि क्वांटिटी एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन होता है वो पूरा कवर किया जाएगा। इंग्लिश, जनरल स्टडीज, जीएस यूपीएससी लेवल पर, क्योंकि यूपीएससी कंडक्ट करता है तो काफ़ी अच्छा लेवल होता है, तो जीएस फिजिक्स का बेसिक, केमिस्ट्री का बेसिक, बायो का, यानी ये सारे सिलेबस कवर होंगे। अभी जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी डिफेंस के बैच में जैसे एनडीए के बैच में करीब करीब 6-7 आवर का क्लास होता है, वैसे ही सीडीएस का क्लास होगा। और सीडीएस के लिए तो हमारे पास लगभग 3 मंथ्स का ही टाइम होगा, तो ये 3 मंथ्स ड्यूरेशन का बैच होगा। और अगर आप क्लासरूम कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हैं 10 जून के पहले, और या फिर आप ऑनलाइन कोर्स से भी जुड़ सकते हैं, उसके थ्रू भी आप पढ़ाई कर सकते हैं और जो जो क्लास में होगा वो आपको बताया जाएगा।
इन सब इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बोलूँगा impetusgurukul.com पे आप विजिट करो, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, impetusgurukul.com पे या तो आप विजिट कर सकते हो या फिर इसका लिंक नीचे दिया हुआ देख सकते हो। पर आप सब लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा डिफेंस में जाने के ऑप्शन ड्यूरिंग ग्रेजुएशन होते हैं, और अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले जैसे एफकेट के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मांगते हैं और हर चीज़ दी हुई है, जैसे एफकेट एंट्री में बिल्कुल क्लियर लिखा है कि फ्लाइंग के लिए, अच्छा दो तरह के कोर्सेज होते हैं, एक होता है परमानेंट कमीशन, एक होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब है कि आपकी 10 ईयर की नौकरी होगी जिसमें 4 ईयर का एक्सटेंशन मिल सकता है। परमानेंट कमीशन मतलब आपकी लाइफ टाइम की जॉब होगी। पर एक अच्छी बात होती है कि आर्मी में रिटायरमेंट के बाद या 15 साल की नौकरी के बाद आपको गवर्नमेंट में भी एक रिजर्वेशन होता है जिसके थ्रू आप जा सकते हो। तो अगर हम बात करें एफकेट एंट्री की, तो फ्लाइंग में मेन एंड वुमेन जा सकते हैं, जिसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन में 60 वैकेंसीज हैं। यानी हर एक छोटी छोटी चीज़ें दी है, ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल्स में दिया हुआ है कि PCM वाले बच्चों के लिए परमानेंट कमीशन में 28 सीट्स हैं, SSC में मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन में 42 सीट्स हैं। तो ये पूरी डिटेल, ग्राउंड ड्यूटी, ये पूरी डिटेल आपको साइट पे मिल जाएगी। तो मैं आपको बोलूँगा आप इसका प्रिंट आउट निकालें, टेरिटरी आर्मी की पूरी डिटेल मिलेगी आपको, CDS की डिटेल मिलेगी, नेवी की डिटेल मिलेगी। और अब मैं आपके साथ CDS से रिलेटेड या ग्रेशन से रिलेटेड डिफेंस के सेशंस रेगुलर लेता रहूँगा, तो आप इससे कनेक्ट भी रहें। पर मैं आपको ये बोलूँगा अगर आप सही में डिफेंस में जाना चाहते हैं तो आपका एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अगर आप आर्मी में या नेवी में या एयरफोर्स में जाना चाहते हैं टॉप पोस्ट पे, तो आपको SSB फेस करना होगा। और SSB का मतलब होता है कि आपका फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग एटीट्यूड, पर्सनालिटी आपकी बहुत अच्छी होना चाहिए, आपका डिसीजन पावर, IQ लेवल, ये सब को वो असिस्ट करेंगे। इसलिए आपको एक पॉजिटिव माइंड से प्रिपरेशन करना चाहिए और कोई अदर ऑप्शन ना रखते हुए अपने आप को पूरी तरह से फोकस रखें। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो मैं आप सबको एक सलाह दूंगा, BE कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप NCC से भी जुड़िए, क्योंकि C सर्टिफिकेट वालों के लिए भी डायरेक्ट एंट्री होती है। तो छोटी छोटी चीज़ें जिन पर ध्यान रखिएगा। सारे फॉर्म जो जो डायरेक्टली ग्रेजुएशन वाले होते हैं डिफेंस में जाने के लिए, उन सब पर अप्लाई करिए और जितनी भी SSB हो सकती है अटेंड करिए। SSB में क्या करना होगा इसका सेशन मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में शेयर भी करूँगा। तो आप सारे फॉर्म को फिल करिए, देखिए अगर आपका ड्रीम है तो आपका ड्रीम पूरा हो सकता है, वह शर्त है कि आपका माइंड बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए अगर डिफेंस में जाना है। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ मैं सेशन एंड करता हूँ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।